Hello students, welcome back to your own learning platform, Vedika Commerce Classes, Eco on the Go. Today we are going to solve our median. अब median क्या होता है? इससे पहले हमने mean किया था. Mean क्या था? हमारा arithmetical average था. Arithmetic basis पे हम average calculate कर रहे थे. अलग-अलग methods से किया था. हमारे पास तीन तरह के methods थे वहाँ पे. Different type of series थी. उसी सीरीज को हमने अलग अलग मेथड से एवरेज कैलकुलेट किया था. लेकिन अभी हम मीडियन करने जा रहे हैं. और मीडियन और मीन के बीच में क्या डिफरेंस है? मीन हमारा नॉर्मली मैथमेटिकली सॉल्व हुआ था और मीडियन हमारा पोजीशन के बेस पे सॉल्व होगा. अब पोजिशनल एवरेज बोला जाता है. इट मीन्स हमारी जो भी फ्रिक्वेंसी अगर हमें किसी भी ऑर्डर में रेंडम ऑर्डर में दी गई है तो सबसे पहले हम उनकी पोजिशन सेट करते हैं. पोजिशन की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले हम उसकी पोजिशन सेट करते हैं. किसी भी एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे. एक सिक्वेंस में अपनी सीरीज को मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो मीडियन कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर वो इसी सीरीज का ही आता है, कॉन्टिन्यूअस का. तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं एंड देन फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो फ्रीक्वेंसी से हमें सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसको हम अपने फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे. अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मीडियन इक्वल्स टू, और मीडियन को हम हमेशा एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन को किससे किया था? एक्स और उसके ऊपर बार. ठीक है, तो अभी हमारे पास मीडियन है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ. सी एफ हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग निकलेगा. डन. डिवाइडेड बाय एफ फ्रिक्वेंसी एंड देन आई फॉर क्लास इंटरवल. अब सी एफ होती क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है. जो भी हमारा फ्रिक्वेंसी का कॉलम है उसको वन बाय वन एड ऑन करते चले जाएंगे. जैसे थ्री था फर्स्ट तो थ्री ही रहेगा. देन थ्री में हमने फाइव को प्लस कर दिया, एट आ गया. एट में टू को प्लस कर दिया, टेन आ गया. ठीक है, देन 10 में 3 को प्लस कर दिया, 13 आ गया. ठीक है, देन 13 में 7 को प्लस कर दिया, हमारे पास 20 आ गया. डन. तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. मीन्स बस हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको एक एक करके प्लस करते हुए चले जाएंगे और उसको लिख देंगे. क्लियर? तो हमारे पास और n क्या होता है? समेशन ऑफ एफ को ही तो हम एन बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर. तो क्या होगा ये हमारे पास? दैट वुड बी 20. इट मीन्स हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट होगी वो ही हमारा एन होगा हमेशा. ठीक है, अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है. अदरवाइज ये दोनों हमेशा हमेशा सेम आएंगे. क्लियर? तो आगे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास L1, अब L1 कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो हमें अपने क्वेश्चन के अंदर चाहिए n बाय टू. अब n क्या था हमारा? n था हमारा 20. तो n बाय टू हमारा क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय टू 10 आएगा. मीन्स 10th वैल्यू हमारी जो भी. अब ये 10th वैल्यू हमें कहां सर्च करनी है? ये 10th वैल्यू हमें सी एफ वाले कॉलम के अंदर सर्च करनी है. 10 कहां पे आ रहा है? तो सी एफ के अंदर हमारा 10 कहां पे आ रहा है? हमारी थर्ड वैल्यू जो है वो 10 है. फुल फ्लेज 10 दे रखी है. हम इस पूरी क्लास को ही मीडियन क्लास बना देंगे. हम इसे बोलेंगे मीडियन क्लास. ठीक है, ये इटसेल्फ हमारा आंसर नहीं है. अभी हमें इस वैल्यू से, इस पूरी क्लास से हमें मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले में पुट करके. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको मीडियन क्लास मान लेते हैं. डन. तो मीडियन के अंदर यूज होने वाली एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी एफ हो जाएगी. ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी एफ मान लेंगे. समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया? n बाय टू, उससे हमारे पास 10th वैल्यू आई. ठीक है, अब इस 10 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में सर्च करेंगे. अगर 10 फुल मिल गया है दैट इज गुड, और अगर हमें फुल 10 नहीं मिलता है तो हम 10
जो भी हमारी वैल्यू मिलती है, सपोज 9 मिलती, ठीक है, या हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू मिलती जो 10 के अप्रोक्स थी, हम उसको वहां पे मीडियन क्लास, उस पूरी क्लास को हम यहाँ पे मीडियन क्लास मान लेते हैं। डन। अब इस मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कवर हुई है उसको हम एफ की जगह पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, और ये जो हमारी क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 10 to 15 है ना क्लास, तो 10 जो होगी वो हमारी लोअर लिमिट होगी क्लास की, उसको हम L1 की जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे प्लस N/2। हमारे पास क्या निकला था, 20/2 निकला था, माइनस CF क्या लेंगे हम, इस क्लास से प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमेशा प्रीवियस वाली ही यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो डिवाइडेड बाय एफ, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 × I। आई इज क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कितना है, 10 से लेके 15 तक है ना हमारी क्लास, तो 5 का इंटरवल है, 5 का गैप है क्लास के अंदर, देन इंटू 5। नाउ मीडियन इक्वल्स टू 10 प्लस, यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, 20/2 इक्वल्स टू 10, 10 - 8, 2/2 इंटू 5। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एंड इंटू 5, ये 1 हो जाएगा, 1 × 5 = 5, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 + 5 = 15। तो मीडियन जो होगा वो हमारा 15 आएगा। अब 15 कहां पे है हमारे पास, दिस वन, क्लियर। तो हमारे पास ये 15 जो होगा क्लास के अंदर, जो 15th पोजीशन पे वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन बोली जाएगी, तो मीडियन इज 15, क्लियर। होपफुली मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।